हेलो दोस्तों, हम आज खोलने जा रहे जीटीए के इतिहास में पहली बार इंडियन कार शोरूम। जी हाँ, और ये जो मेरा शोरूम होने वाला है, इसके अंदर मैं रखूंगा सारी की सारी इंडियन कार्स, जैसे कि स्विफ्ट, बलेनो, महिंद्रा एक्सयूवी 700, थार, और साथ ही साथ रखूंगा भाई साहब फॉर्च्यूनर। सो गाइज, ये रहा हमारा शोरूम जो भाई साहब मैंने ओपन किया है हमारे शहर के थोड़ा सा बाहरी इलाके में, और यहाँ पे दो दो बॉडीगार्ड भी रखा है, क्योंकि आपको पता है GTA 5 की दुनिया में चोरियां कितनी होती है भाई। पहले मैं खुद भी एक चोर था, वो बात अलग है, पर यार मेरे शोरूम में कुछ भी चोरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे दो दो भाई सिक्योरिटी गार्ड रखी है बंदूक के साथ। देख सकते तगड़ी बंदूक है, एक यहाँ पे टकला है और एक यहाँ पे चाइनीज बंदा है भाई। चांदनी चौक टू चाइना, चीनी चाउमी, हाका नूडल्स। रात को पार्टी वार्टी कर रहा था क्या तू? हैं, पार्टी वार्टी कर रहा था? नशे में तू? होश में कि नहीं? ऊ साला, मेरे को रात को 2 प्लेट मोमोज और पौवा खिला दिया था, तब से मैं होश में नहीं हूँ। पर साहब, आपके इधर चोरी नहीं होने दूंगा। हाँ ठीक है बेटे, चोरी हुई तो भाई साहब तेरी गर्दन पकड़ूंगा मैं। और गाइस, आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरा प्यारा शोरूम। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है अभी भाई साहब, नया नया शोरूम है इसलिए कुछ ज्यादा चीजें है नहीं, मतलब मैंने बजट में बनाया। तो गाइस, शोरूम में सबसे पहले एंटर करते हैं, हमारे पास है यहाँ पे पीली स्विफ्ट। यस भाई साहब, पीली स्विफ्ट है, यहाँ पे रेड स्विफ्ट और ग्रे स्विफ्ट है। और गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि भाई साहब मैं भी स्विफ्ट में आया भाई साहब, क्योंकि यार अभी अभी शोरूम खोला तो मेरे सारे के सारे पैसे शोरूम में चले गए, तो भाई साहब मैं गरीब हूँ। मतलब यार लिटरली मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं भी स्विफ्ट से घूम रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे पैसे आएंगे, फॉर्चूनर खरीद लेंगे भाई, रोला जमा देंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे इस शोरूम से। तो अभी आगे बढ़ते मेरे शोरूम में, यहाँ पे दो दो बलेनो ब्लू कलर में, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है बलेनो। एक व्हाइट बलेनो, एक यहाँ पे महिंद्रा एक्सयूवी 700 जो कि भाई साहब फुल लेटेस्ट मॉडल है भाई, एकदम तगड़ी वाली। और यहाँ पे एक वरना है, और आंटी जिनकी फोटो खींच रही है, लगता है आंटी को ये पसंद आ रही है कार, शायद से खरीद भी लेंगी। और गाइज, मेरे शोरूम में मैंने यहाँ पे एक मैनेजर भी रखा है जो सब कुछ मैनेज करेगा और मुझे बताएगा भाई प्रॉफिट लॉस और कितना सेल हुआ। बता भाई आज का क्या सीन है? अरे अरे बॉस, एक बलेनो का ऑर्डर आया है लॉस सेंटोस में से। अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, तो बात बात कर लेना। और गाइज, यहाँ पे लगता है ये दीदी लोग को ये रेड कलर की स्विफ्ट पसंद आई है, दोनों कब से बात कर रही है इस कार के बारे में। चलो भाई बढ़िया ही है, बात कर रही तो। और भाई आप लोग सोच रहे हो कि मेरे शोरूम में ये पिंक थार क्या कर रही है, मतलब भाई लिटरली में पिंक थार कौन रखता है? लेकिन मैं आपको बता दूं भाई साहब, ये मैंने पिंक नहीं कराया, ये ऑर्डर की कार है। मतलब एक दीदी थी, उनको यार थार चाहिए थी और वो भी पिंक कलर में, तो यार मैंने इसको पूरा पिंक विंक करा दिया। अब इसको थोड़ी देर में इसकी हम लोग को डिलीवरी करने जानी है, तो ये भाई साहब अभी थार को डिलीवरी भी करने जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं मेरे शोरूम में कोई भी ज़्यादा महंगी कार नहीं है फिलहाल में, बस ये थार ही है और एक 700 है। तो ये थार को पहले डिलीवर करके आते हैं, फिर पैसे मिलेंगे, फिर जब पैसे मिलेंगे तो भाई साहब अपग्रेड भी करेंगे शोरूम को और महंगी महंगी कार्स भी लेके आएंगे। सो यहाँ पे हमने ट्रेलर मंगा दिया, ये रहा, अभी फटाफट इसके अंदर थार को डालते हैं। चलो भाई, और ये लो घुस गई, चलो चलो धीरे। तो चलो भाई देख सकते हैं यहाँ पे हमने थार को अंदर लोड कर दिया है, अब फटाफट ट्रेलर बंद करते हैं और डिलीवरी के लिए लेके जाते हैं अपनी पिंक थार को। लेट्स गो। यहाँ पे ट्रेलर का पीछा वाला हिस्सा गाइस बंद हो रहा है। बंद हो जा भाई, इतना स्लो है ये। चलो भाई ऑलमोस्ट हो गया बंद, ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा बाकी है। ओके लेट्स गो गाइस, बंद हो गया, अभी चलते हैं फटाफट थार की डिलीवरी करने। तो यहाँ पे हम लोग लोकेशन पे पहुंचने वाले जहाँ पे डिलीवरी करनी है, और ये रहा वो घर, और सोनिया दीदी हमारा बाहर इंतजार कर रही है। तो चलो भाई थार आ गई आपकी। मैडम जी, आपकी पूरी कस्टमाइज पिंक थार ये रही। अरे वाओ, ओह माय गॉड फ्रैंकलिन, तुमने तो कमाल कर दिया। और सर आपको भी कुछ चाहिए क्या? फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, बलेनो वलेनो, कुछ भी, हमारे पास सारी इंडियन कार्स है। अरे हाँ हाँ बॉस, तुम पहले थार तो उतारो, फिर मैं बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। हाँ हाँ सर अभी उतारता हूँ, रुको। तो ये लीजिए, मैंने आपके कार को उतार दिया है और देख लीजिए एकदम सही सलामत है। इसका रजिस्ट्रेशन मैं आपके नाम पे कर दूंगा, बस आप पेमेंट कर दीजिए फटाफट। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन, तुम्हारा फोन चेक करो, वहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया। ओके ओके, तो भाई पेमेंट रिसीव हो चुकी है। अब बताइए सर, मैडम के लिए तो मैंने पिंक थार दे दी, आपके लिए क्या दूं, कौन सी कार चाहिए आपको? अरे फ्रैंकलिन भाई, मुझे तो यार ब्लैक फॉर्च्यूनर चाहिए, उसका बहुत दबदबा है, वो कितने की पड़ेगी ये बताओ। अरे देखो सर, फॉर्च्यूनर का रेट तो पूरे मार्केट में 50 लाख है,
बट मैं सिर्फ आपके लिए 48 लाख में करा दूंगा, 48 लाख में। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फ्रैंकलिन और फॉर्च्यूनर करा दो, कल के कल चाहिए मुझे। अरे इतनी जल्दी चाहिए? अच्छा चलो ठीक है यार, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ आपके लिए। चलो भाई साहब, इनकी थार की तो डिलीवरी हो गई जो मैंने इनको 17 लाख में चपका दी। भाई साहब 15 लाख की खरीदी, 1 लाख का कलर कराया और भाई साहब 17 लाख में बेच दिया, इसे बोलते बिजनेस। अब चलो भाई साहब इनके लिए फॉर्च्यूनर लेके आते, बट गाइज एक प्रॉब्लम है यार, मेरे शोरूम पे तो फॉर्च्यूनर है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो भाई मैं फॉर्च्यूनर अपने शोरूम पे लाया ही नहीं। इसके लिए फॉर्च्यूनर यार मेरे को बाहर से मंगानी पड़ेगी, मैंने इसको जुबान तो दे दिया क्योंकि मेरा नया नया शोरूम है, तो मैं मना भी नहीं कर सकता, वरना भाई बोलेगा जाके कि इसके शोरूम में कोई कार ही नहीं रहती। तो यार रुको भाई, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे को पता है एक डीलरशिप जहाँ से यार मैं फॉर्च्यूनर ले सकता हूँ, वहाँ से फॉर्च्यूनर खरीदता हूँ और इसको लाके दे देता हूँ। यही करना पड़ेगा यार, क्योंकि इतनी जल्दी मैं कल के कल तो यार फॉर्च्यूनर नहीं मंगा सकता अपने शोरूम पे, तो यार कहीं और से ही खरीद के देनी पड़ेगी इसको। चलो भाई पहले वो वाले डीलरशिप पे चलते हैं। अरे भाई हट जाओ यार, दिखाई नहीं दे रही क्या करूँ तुम्हारे गुत्ती लाल, हट जाओ यहाँ से। सो गाइस, जो हम डीलरशिप वाले के पास जा रहे हैं वो हरियाणा के एक ताऊ जी है, जो भाई साहब लोकल में डील करते हैं, मतलब गैंगस्टर टाइप है और सारी की सारी बल्क में गाड़ियां रखते हैं। तो ये रहे उनकी जो डीलरशिप की जगह, और देख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियां खड़ी, और भगत तो फॉर्च्यूनर और थार ही दिख रही। पहले यार अपने ट्रक को साइड में लगाते हैं। चलो भाई लगा दिया, और मैंने लगता कुछ तो कांड कर दिया पीछे। अरे भाई साहब यहाँ पे पानी का फव्वारा चालू कर दिया मैंने, और यहाँ पे जो देख सकते ताऊ जी सिक्योरिटी कितने ज्यादा तगड़े रखे भाई, और यहाँ पे इनके पास भाई सारी की सारी फॉर्च्यूनर है, इतनी सारी अलग अलग कलर में फॉर्च्यूनर, और भाई साहब थार भी है, और भाई बंदे भी बहुत ज्यादा रखे हैं इन्होंने, और सुपर कार्स भी है। ये क्या पोर्श की लैम्बोर्गिनी है भाई, तगड़ी वाली लैम्बोर्गिनी लग रही है मेरे को, काफी ज्यादा अमीर है। पर ये जो ताऊजी यार, इनका ये शोरूम वोरूम नहीं है, ये बस बल्क में गाड़ियां देते हैं। अब यार इनसे बात करते, एक फॉर्च्यूनर बस मुझे मिल जाए, ये ब्लैक वाली। हाँ भाई ये ब्लैक वाली तगड़ी लग रही है, ये फॉर्च्यूनर मिल जाए तो मेरे को शोरूम में ऑर्डर मिला उधर डिलीवरी करवा दूंगा। हेलो नमस्ते ताऊ जी। हेलो बोल बावड़े छोर, क्या हो गया, कहाँ से आया तू, के चाहिए तन्ने? अरे ताऊ जी जो आपकी फॉर्च्यूनर इतनी सारी, उसमें से यार जो ब्लैक वाली फॉर्च्यूनर है ना, ये चाहिए, कितने की पड़ रही है यहाँ पे? अरे देख बेटा, यहाँ पे कोई भी मुंह उठा के नहीं आ सकता जो तेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर पे आता है, और जो हमारे पुराने कस्टमर है सिर्फ उनको हम देते है गाड़ियाँ, तेरे जैसे नए छोकरे को नहीं देते। अरे पर यार ताऊ जी, हम नए छोकरे थोड़ी यार, मेरा भी यार लॉस सेंटर्स में खुद का शोरूम है भाई साहब, अभी नया नया शोरूम खोला इंडियन शोरूम, तो यार उसके लिए गाड़ी चाहिए। अब क्या बोला बावड़ी पूछ, तेरा खुद का शोरूम है वो भी हमारे होता हुआ? अबे हमें ना बताया किसी ने, खुद का शोरूम चला गया तू, तब तो तू हमारा दुश्मन हुआ, तेरे को तो एक गाड़ी ना दू, चल फुट ले यहाँ से, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी तुझे। अबे भाई यार ये ताऊ जी तो अलग ही चौड़ में, भाई अपने को गाड़ी ही नहीं दे रहा, बोल रहा भाई हमारा दुश्मन है। अबे यार अब मेरे को फॉर्च्यूनर कहाँ से मिलेगी कल के कल, और ये तो देने की बात ही नहीं कर रहा। अरे ताऊ जी यार प्लीज यार कुछ देख लो ना, थोड़ा ज्यादा ही पैसे ले लेना। अबे बेटा तेरे को समझ नहीं आ रही के, तू मेरे को पैसे का रूप दिखा रहा है, ताऊ जी को पैसे का रूप दिखा रहा है, अभी तुझे बताता हूँ, रुक तू। अरे भाई साहब यार इसके बंदे ने तो मेरे पे बंदूक तान ली। अरे यार ताऊ जी ऐसा क्या कर रहे भाई, ये लोग तो बंदूक तान लिए यार सीधा मेरे पे इसके दोनों बंदों ने। अबे यार ये लोग तो मारा पीटी पे उतर गए भाई, ये ताऊ जी तो यार ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है ताऊ जी चल यार मैं जा रहा हूँ, नीचे आपसे कोई भी गाड़िया। भाई साहब अलग ही चौड़ में बंदूक तान लिए मेरे पे, इनको पता नहीं क्या फ्रैंकलिन कौन है, इनको भाई सबक सिखाना पड़ेगा। रुको भाई इनका भाई डीलरशिप की वाट लगा दूंगा। ओके सो गाइस यहाँ पे मैं टेरेस पे आ चुका, और इनको जरा भी आइडिया नहीं कि मैं इनके पीछे हूँ। एक बंदा यहाँ पे है और एक जस्ट मेरे सामने, और यहाँ पे हाँ आगे आगे बहुत सारे बंदे। तो पहले ये दो पीछे ना इनको नॉकआउट करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले भरता हूँ फिर आगे वाले को मारूंगा। इनकी ऐसी की तैसी चल, और ये ले तेरी ऐसी की तैसी। अब भाई साहब ऊपर से सबको मारता हूँ, आने दो आने दो आने दो, बहुत सारी गोली चला रहे लोग, तेरी तो ये ले ये ले। और कौन है, आजा आजा भाई साहब डीलरशिप चलाएंगे, इधर मैं प्यार से इज्जत में फॉर्च्यूनर खरीदने आया था तो वो नहीं। और भाई साहब ये कहाँ लटका है, अबे स्पाइडर मैंने क्या, ये तो देखो कैसे लटका है भाई। और यहाँ पे तेरी तो ये ले हेडशॉट, ये ले आजा बेटे आजा 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 आजा। और कौन है भाई साहब, बहुत सारे, सबकी ऐसी की तैसी कर देंगे, सब मरेंगे आज सब मरेंगे। स्नाइपर निकालने दो भाई, स्नाइपर से मारूंगा, तेरी तो भागेगा। और कौन है, एक वहाँ पे, चल चल टकले, ट्रेन वाले को भी मारूंगा भाई साहब। प्यार से मांगना है तो पूरे डीलरशिप की वाट लगा दी। और ताऊ जी कहाँ है भाई, ताऊ जी तो सुमड़ी में निकल गए भाई। चलो यार कोई बात नहीं, अपने तो यार ताऊ जी से पंगे हो गए भाई फालतू में, यार अब गैंग वॉर हो जाएगा ताऊ जी के साथ। चलो यार वो तो बाद में देखेंगे, फॉर्च्यूनर लेते भाई फटाफट, ट्रेलर में भरते और यहाँ से निकलते भाई। चलो यार फ्री में फॉर्च्यूनर मिल गई। वैसे यार मैं चोरी तो करना नहीं चाहता था, पर अब क्या करूँ, इनको सीधी भाषा समझ में नहीं आई तो चोरी करके लेके आनी पड़ेगी, अब डिलीवरी भाई करनी भी तो है मेरे को। तो चलो भाई यहाँ पे मैंने दो दो फॉर्च्यूनर रख ली भाई, एक चाहिए थी मेरे को ब्लैक वाली फॉर्च्यूनर, बट भाई इतनी ज्यादा मेहनत कितने लोगों को मारी, तो भाई मैंने लाल फॉर्च्यूनर भी रख ली। अब फटाफट इनको लेके निकलते हैं।
सो यहाँ पे मैंने ट्रेलर लगा दी और भाई साहब थोड़े बहुत मार वार खाने के बाद यहाँ पे दो दो फॉर्च्यूनर आ चुके भाई मेरे शोरूम में। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे एक लाल फॉर्च्यूनर और एक ब्लैक फॉर्च्यूनर। ये ब्लैक वाली की तो अपन डिलीवरी करवा देंगे, थार की डिलीवरी अपने करवाई दी जो यहाँ पे खरीदी है पिंक वाली, अब ये फॉर्च्यूनर भी करवा देंगे तो नेक्स्ट वाले पार्ट में करवाएंगे। और देखते हैं भाई वो जो अपने ताऊ जी उनसे अपना लफड़ा होता है कि नहीं होता नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई साहब ये जो अपना शोरूम है इसको हम बहुत ज्यादा अपग्रेड करने वाले तो बहुत मजा आएगा। तो फटाफट कॉमेंट में जाके भाई बताओ आपकी फेवरेट कार कौन सी, आपको फॉर्च्यूनर पसंद है, थार पसंद है या फिर स्कॉर्पियो पसंद है, फटाफट कॉमेंट में बताओ और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मैं तो चला भाई अपना रोला जमाने फॉर्च्यूनर में, ले भाई सिस्टम पे सिस्टम पे ठारा छोरा जाट का।